सुस्वागतम छात्राः अद्य वयं नवमः पाठः स्त्रीलिंग सर्वनाम शब्दं शब्दानि पठामः। आइए हम इदम् एतत् तत् किम सर्वनामों के स्त्रीलिंग रूपों को समझें। इयम् का अस्ति, यह कौन है। इयम् यह का कौन है। इयम् यह बालिका अस्ति, यह बालिका है। ऐसा का, यह कौन है। ऐसा माला, ये माला है। सा का अस्ति, वह कौन है। सा छात्रा अस्ति, वो छात्रा है। इमे के द्विवचन में आइए। ये दो कौन हैं। इमे बालिके, ये दो बालिकाएं हैं। एते के अस्तः, द्विवचन में ये दोनों कौन हैं। ये दो क्या हैं, कौन हैं। एते माले अस्तः, ये दो मालाएं हैं। ते के, वे सब कौन हैं। ते छात्रे, ते वे सब, वे दोनों छात्राएं हैं। ते द्विवचन में है ना, वे दोनों छात्राएं हैं। अब बहुवचन में आते हैं। इमाः काः सन्ति, ये सब कौन हैं। इमाः बालिकाः सन्ति, ये सब बालिकाएं हैं। एताः काः, ये सब कौन हैं। एताः माला, ये सब मालाएं हैं। ताः काः सन्ति, वे सब कौन हैं। तो ताः छात्राः सन्ति, वे सब छात्राएं हैं। अब ऐसे ही देखें, पढ़ें और समझें। पुल्लिंग में अयम अश्वा अस्ति, या घोड़ा है। इयम अश्वा अस्ति स्त्रीलिंग में, ये घोड़ी है। अश्वा पुल्लिंग और स्त्रीलिंग सर्वनामों के रूप नीचे दिए गए हैं, इनको ऐसे देखिए। इदम शब्द का पुल्लिंग में चलेगा अयम इमौ इमे, स्त्रीलिंग में इयम इमे इमा। एतत् शब्द का पुल्लिंग में एषः एतौ एते, एषा एते एताः। तत्शब्द का नपुंसक लिंग पुल्लिंग में सा तौ ते, स्त्रीलिंग में सा तेता। किम शब्द का पुल्लिंग में कह कौ के, और का के का, ये हो जाएगा। इसी तरह से सब शब्द बनाए गए हैं। इमे बालिका, ये बालका, इमे बालका, ये बालक हैं, लड़के हैं। इमे बालिके, ये दो लड़कियां हैं। अभ्यास पे आते हैं। उचित शब्दों से रिक्त स्थानों को भरें। अब यहाँ लिखा है इयम का, यह कौन है। तो यहाँ इयम दिया है, तो यहाँ भी लिखा है इयम महिला, ये महिला है। सा का अस्ति, वह कौन है। तो कह रहे हैं सा नौका अस्ति, वह नौका है। सा का अस्ति, वह क्या है, वह नौका है। एते के, ये सब कौन हैं। एते बालिके, ये सब बालिकाएं हैं। ते के, वे सब कौन हैं। ते बालिके, वे दोनों कौन हैं, वे दोनों लड़कियां हैं। ताह का, वे सब कौन हैं। ताह मुद्रिका, वे अंगूठियां हैं। ताह का, वे सब क्या हैं। ताह शाखा, वे शाखाएं हैं। उचित सर्वनाम, प्रश्न नंबर दो, सर्वनामों से रिक्त स्थानों को भरें। का के काह, साते ताह, अयम इमौ इमे, सहतौ ते, एषा एते एताः, अकः कौ के, एषः एतौ एते। पुल्लिंग शब्द में था ना, तीसरे उसमें प्रश्न पे आते हैं और वाक्यों का अनुवाद करें। इयम शाखा अस्ति, ये शाखा है। इमे के अस्तः, ये सब कौन हैं। एते अजे, तो इमे द्विवचन में प्रयोग करेंगे, तो इमे माने इयम इमे इमा है। तो ये दो कौन हैं, ये दो बकरियां हैं। ये दो
बकरियां हैं, ये दो कौन हैं, ये दो बकरियां हैं। एते अजे, ये सब बकरियां हैं। यम इमे इमा एषा एते एता, तो ये दो बकरियां हैं। इमाह का संति, ये सब कौन हैं, ये सब लताएं हैं। इमाह लता संति का गायिका, वे सब गायिकाएं हैं। संस्कृत में अनुवाद करें तो तीसरा प्रश्न, चौथा प्रश्न, वह लड़की है सा बालिका, वह लड़की कौन है सा बालिका का। ये दो डालियां हैं, इमे साखे, ये सब चूहियां हैं, तो एता मूसिका। वह जेल है सा पारा अस्ति, वे गायिकाएं हैं ताह गायिका। प्रश्न नंबर 5, इनको हमें मिलान करना है। स्त्रीलिंग को स्त्रीलिंग से मिलाइए, एक वचन का एक वचन से मिलाइए। का है सा, इमाह का शाखा, एतौ द्विवचन वातकौ, के बहुवचन ते, अयम एक वचन छात्रा, इयम एक वचन छात्रा। प्रश्न नंबर 6 पे है, समान वचन वाले स्त्रीलिंग रूप लिखें। इमे इमाह, एषा एषा, कौ द्विवचन के, एते एताह, ये बहुवचन है ना पुल्लिंग, ऐसा है तो एते, तो यहाँ ऐसा एते एताह। इमौ, ये द्विवचन के, सह का सा स्त्रीलिंग में। प्रश्न नंबर, थैंक यू।